सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों की जिंदगी दूर से जितनी आसान दिखती ना, कसम से उससे 25 गुना ज्यादा मुश्किल होती है। क्योंकि तुमने कितनी मेहनत क्यों ना की हो, भले दिन रात एक कर हचक के पढ़ाई की हो, लेकिन लोगों को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है तुम्हारे रिजल्ट यानी सिलेक्शन से। क्योंकि नौकरी मिलने पर जितने लोग तुम्हारी मेहनत की तारीफ के पुल बांधते हुए दिखते ना, अक्सर यही लोग जिनको नौकरी नहीं मिलती उनको ताने देते हुए दिखते हैं। ये वही चार लोग हैं जो बोलते हैं कि बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ बाप खुद मर मर के पाई पाई जोड़ के लड़के को पढ़ाने भेजे और वहाँ लड़की बाजी कर रहे होंगे तो कहाँ से सिलेक्शन होगा। पूरा दिन सिर्फ कमरे में घुसे रहने से सिलेक्शन नहीं होता, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। अगर तैयारी सही से करते तो अभी तक नौकरी लग गई होती। अबे यार ये बताओ कि रेस में दौड़ने वाले क्या सारे लोग फर्स्ट सेकंड या थर्ड आते हैं? नहीं ना। तो जो बाकी के लोग दौड़े क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? की ना। ये दुनिया और इसके लोग बहुत कमजोर है मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ तुमको समझने वाला एक नहीं मिलेगा, लेकिन तुमको समझाने वाले तमाम मिल जाएंगे। एक एस्पिरेंट अपनी जिंदगी में सबसे पहले घर और फिर अपने यार खोता है, और देखते ही देखते वो अपना सच्चा प्यार खोता है। नहीं समझा है और ना ही कोई समझेगा हमें, क्योंकि हर बाप अपनी लड़की का हाथ देने से पहले लड़के की औकात देखता है।